नमस्कार, मेरा नाम है संदीप सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज गुरु में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको स्ट्रॉबेरी की खेती के बारे में डिटेल जानकारी देने वाले हैं। स्ट्रॉबेरी के लिए मिट्टी और तापमान कैसा होना चाहिए, खेत को तैयार कैसे करना है, स्ट्रॉबेरी की वेस्ट किस्में कौन सी हैं, रोपाई और देखरेख कैसे करनी है, तुड़ाई और मार्केटिंग कैसे करनी है, इन सभी पक्षों की डिटेल जानकारी आपको देंगे। साथ ही अंत में आपको बताएंगे कि लागत कितनी आती है और मुनाफा कितना कमाया जा सकता है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि बागवानी और फसलों की सटीक जानकारी आप तक पहुँचती रहे। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं मिट्टी और तापमान की। दोस्तों, स्ट्रॉबेरी की फसल सर्दियों में उगाई जाने वाली फसल है और ये फसल मात्र 6 महीने की होती है, सितंबर अक्टूबर से लेकर मार्च अप्रैल तक। लेकिन अगर आप इसे पॉली हाउस में तैयार करते हैं तो टेम्परेचर को मेंटेन करके आप इससे अर्ली जुलाई तक भी पैदावार ले सकते हैं। वहीं इसके लिए सबसे बढ़िया मिट्टी रेतीली डोमट मिट्टी होती है। मिट्टी का पीएच मान सामान्य 6 से 7 के बीच में हो तो बढ़िया है। वहीं इसकी फसल में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है पानी। इसे सिर्फ मीठे पानी में ही उगाया जा सकता है। खारे या किसी और किस्म का पानी इसकी फसल के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। इसके लिए सबसे बढ़िया पानी मीठा पानी होता है। और अब बात करते हैं खेत को तैयार कैसे करना है। खेत की तैयारी के लिए सबसे पहले 25 टन प्रति एकड़ के हिसाब से सड़ी हुई गोबर की खाद आपको खेत में डाल देना है और खेत की उर्वरता के हिसाब से आप इसमें नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस आदि भी डाल सकते हैं। हालांकि आपकी खेत की कैसी उर्वरता है उस हिसाब से आप इनका प्रयोग करें तो बढ़िया रहेगा। इसके बाद खेत की बढ़िया से जुताई करवाना है और जुताई करवाने के बाद मिट्टी को पलटवा कर खाद और मिट्टी को अच्छे से मिक्स करवा देना है। और ये करने के बाद अब आपको खेत में बेड तैयार करना है। बेड कैसे तैयार करना है? इन बेडों की जो चौड़ाई होगी वो 3 फीट रखनी है और ऊंचाई करीब 1 फीट रखनी है और बेड से बेड के बीच करीब 1.5 फीट यानी 45 सेंटीमीटर की जगह भी आपको खाली रखनी है, ताकि जब आप तुड़ाई करें या कोई छिड़काव वगैरह करें तो उसके लिए ये जगह बहुत ज़रूरी है। इसलिए 45 सेंटीमीटर जगह बीच में छोड़ कर रखें। खेत की तैयारी के बाद अब बात कर लेते हैं स्ट्रॉबेरी की बढ़िया किस्में कौन सी हैं और रोपाई और देखरेख कैसे की जाती है। दोस्तों, दुनिया भर में स्ट्रॉबेरी की वैसे तो करीब 600 वैरायटीज से ज़्यादा उपलब्ध हैं, लेकिन हमारे प्यारे भारत में जिन प्रजातियों की खेती ज़्यादा की जाती है और जो हमारे यहाँ के वातावरण के अनुकूल हैं, वो प्रमुख किस्में हैं कामरोजा, स्वीट चार्ली, विंटर डाउन, ब्लैक मोर, एलिस्ता और फेयर फॉक्स आदि। ये सारी जो किस्में हैं ये भारत के मौसम के हिसाब से बहुत सही रहती हैं। अगर रुपाई की बात की जाए तो स्ट्रॉबेरी की रुपाई के लिए 10 सितंबर से 10 अक्टूबर तक का समय सबसे बेस्ट रहता है और रुपाई करते वक्त आपको एक बिड में पौधे की 3 लाइनें लगानी हैं। पौधे से पौधे के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन के बीच की दूरी भी 30 सेंटीमीटर ही आपको रखनी होती है। अगर आप ये दूरी मेंटेन करते हुए आप पौधे लगाएंगे तो करीब 17,000 पौधे प्रति एकड़ लग जाते हैं। अगर देखरेख की बात की जाए तो पौध रोपाई के करीब 15 से 20 दिनों में आपको एक निराई करनी है और निराई के बाद बेडों की मल्चिंग पेपर से बढ़िया से मल्चिंग कर देनी है। अब कुछ लोगों के मन में ये सवाल उठेगा कि रोपाई से पहले ही मल्चिंग क्यों नहीं करनी है। वो इसलिए क्योंकि इससे रोपाई में दिक्कत आती है, साथ ही साथ निराई नहीं हो पाती है और ड्रिप पाइप लगाने में भी दिक्कतें आती हैं। इसलिए सही ये रहता है कि आप 15 दिनों बाद ही मल्चिंग करें, पहले ना करें। और मल्चिंग के लिए आप मल्चिंग पेपर या पॉलीथीन का ही प्रयोग करें, पुआल का प्रयोग ना करें। क्यों? क्योंकि मल्चिंग पेपर से फ़ायदा ये होता है कि ये मिट्टी में नमी बनाए रखती है, जो स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ फलों को सड़ने से भी बचाती है। अगर फल मिट्टी के संपर्क में आते हैं तो वो जल्दी सड़ जाते हैं, इसीलिए मल्चिंग पेपर लगाकर फलों को मिट्टी के संपर्क में आने से रोका जाता है। और पुआल फलों को सड़ने से तो बचाता है लेकिन नमी को नहीं बनाए रख पाता है, इसलिए पुआल नहीं मल्चिंग पेपर ज़्यादा उपयुक्त है इसकी खेती के लिए। साथ ही साथ पौधे लगाने के बाद शुरुआत में आपको स्प्रिंकलर से ही सिंचाई करनी है। इसके बाद आपको इन्हें प्रतिदिन ड्रिप सिंचाई के माध्यम से आवश्यकता अनुसार पानी देते रहना है और खाद और उर्वरक आदि भी आपको ड्रिप के माध्यम से ही देना है। बस
जब दवाओं का छिड़काव करना है वो आप ऊपर से कर सकते हैं, बाकी अगर खाद वगैरह देते हैं तो आपको ड्रिप के माध्यम से ही देनी है। अगर प्रॉब्लम्स की बात की जाए तो स्ट्रॉबेरी में फफूंद यानी फंगस की समस्या सबसे ज़्यादा आती है। इसके लिए आपको काफ़ी सावधान रहना है और समस्या आते ही समस्या बढ़ने से पहले दवाओं का स्प्रे कर देना है ताकि फसल को कुछ ज़्यादा नुकसान ना पहुंच सके। अब बात कर लेते हैं इसकी तुड़ाई और मार्केटिंग की। दोस्तों, पौध रोपाई के 30 से 35 दिनों में इसकी फ्लावरिंग शुरू हो जाती है और करीब 2 महीने में फर्स्ट हार्वेस्टिंग के लिए पौधा तैयार हो जाता है। जिन्हें आप अगर बड़े पैमाने पर इसकी खेती कर रहे हैं और ज़्यादा उत्पादन हो रहा है तो नज़दीकी मंडी आदि में बेच सकते हैं, लेकिन अगर उत्पादन थोड़ी मात्रा में ही हो रहा है, आपने ज़्यादा बड़े पैमाने पर इसकी खेती नहीं की है, ट्रायल बेस पर छोटी जगह पे ही इसकी खेती कर रहे हैं, तो आप इसे अपने नज़दीकी मार्केट में रिटेल स्टोर वालों से बात करके उन्हें भी बेच सकते हैं, या खुद भी चाहे तो छोटा सा रिटेल स्टोर खोल के उसमें आप स्ट्रॉबेरी बेच सकते हैं। और अंत में अब आपको बताते हैं इसमें आने वाली लागत और होने वाले मुनाफे के बारे में। दोस्तों, अगर आप 1 एकड़ में इसकी खेती करते हैं तो पौधे, खाद, सिंचाई, मल्चिंग, लेबर और पैकिंग, इन सब को मिलाकर जो खर्च आता है वो करीब करीब 5 से 6 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से आ जाता है। और अगर मुनाफे की बात करें तो 1 एकड़ में करीब 17,000 पौधे लग जाते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है। और हर वैरायटी के पौधे की पैदावार भी अलग अलग होती है, जो करीब 300 ग्राम से 800 ग्राम प्रति पौधे तक होती है। अगर हम औसत उपज 500 ग्राम प्रति पौधा भी मान लें, तब जो कुल उपज मिलेगी वो मिलेगी 17,000 × 500 बराबर 8500 kg, यानी 8.5 टन। अगर मूल्य की बात की जाए तो इसका रेट भी वैरायटी, फल की गुणवत्ता और सीजन के हिसाब से वैरी करता रहता है, और ये करीब 100 रुपये से लेकर 800 रुपये पर kg तक बिक जाती है, अलग अलग सीजन और फल की गुणवत्ता के आधार पर। अगर हम औसत मूल्य 150 रुपये प्रति किलो भी ले लें तो जो कुल बिक्री होगी वो होगी 8500 × 150 बराबर 12,75,000 रुपये की। अगर इसमें से हम लागत हटा दें तो करीब मोटा मोटा 6 से 7 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से हमें मुनाफा मिल जाएगा। लेकिन बड़े पैमाने पर इसकी खेती की शुरुआत करने से पहले मैं आपको ये सलाह दूंगा कि पहले आप इसे छोटे पैमाने पर लगाकर जरूर देख लें। अगर ये आपके एरिया और क्लाइमेट के हिसाब से अच्छा उत्पादन देती है तो ही बड़े पैमाने पर इसकी खेती आप करने की सोचें, अदरवाइज ना सोचें, क्योंकि इसमें जितना मुनाफा होता है उतने ही ज़्यादा घाटा भी लग सकता है। इसलिए इससे बचने के लिए पहले आप छोटे पैमाने पर उगाएं, इसके बाद बड़े पैमाने पर इसकी खेती करें। और एक बात और, मेरे कई सारे दोस्त मुझसे ये कमेंट में पूछते हैं कि पौधे कहाँ मिलेंगे, तो उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि स्ट्रॉबेरी के पौधे आपको पुणे और हिमाचल प्रदेश में सोलनक जिला है वहाँ पर आसानी से मिल जाएंगे, जिन्हें आप ऑनलाइन या फ़ोन के माध्यम से बातचीत करके भी मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी स्ट्रॉबेरी की खेती की संपूर्ण जानकारी की। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर कोई प्रश्न आपके मन में आ रहा हो इसकी खेती संबंधित तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगा कि आपके प्रश्नों का जवाब दे पाऊं। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।